रांची के मोराबादी हॉकी स्टेडियम में झारखंड कला संस्कृति की मंच की ओर से 20 दिवसीय समर वर्कशॉप किया गया। अगर समर वेकेशन में घर पे रहते तो सिर्फ होटल में खाना खाते और बहुत अच्छी तरह से सिर्फ सोते और हॉलीडे होमवर्क तो पूरा कर ही लेते। एक महीना का होमवर्क है वो 4 दिन में ही लोग पूरा कर देते सिर्फ टीवी देखने के लिए। थोड़ा इधर ये लोग इन्वॉल्व हो गए आकर, अच्छा है कि बच्चे इन्वॉल्व हैं, बॉडी फिट है, मन प्रसन्न है। झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ कथक नृत्य, क्लासिकल संगीत, पेंटिंग तथा नाटक के साथ आदिवासी कला संस्कृति को भी जोड़ना चाहिए। अगर आदिवासियों की कला संस्कृति को वर्कशॉप में शामिल नहीं किया गया है तो ये बिल्कुल आदिवासियों के साथ या तो यहाँ की संस्कृति के साथ अनदेखा किया गया है। कुछ पढ़ाई के अलावा अपना हुनर सीख सके कि कभी जिंदगी में उस चीज़ का अगर जरूरत पड़े आर्थिक स्थिति के लिए तो वो लोग 2-4 स्टूडेंट को सिखा के अपना पॉकेट मनी या अपने पैरों पर खड़े हो सके। हम कहते हैं कहावत में, चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। अगर हम अपना जीवन को हम देखते हैं, हम किसी से बात करते हैं, किसी से अपने दुखड़ा को बोलते हैं तो वो बोलना, बोल के कहना हमारा एक गीत के रूप में पेश आता है। अगर हम कहीं चलते हैं तो हमारा चलना ही नृत्य के रूप में पेश आता है। और यहाँ के आदिवासी इसी तरह अपना गुण को समेट के रखा है। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि झारखंड कला संस्कृति विभाग में आप लोग दबाव डालिए। मैं प्रियशिला बेसरा रांची झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।